हमारे दिए बन रहे हैं और ये दिए जो है सारे मैंने बनाए हैं। और ये जो दिए दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे दिए लिटिल ने बनाए हैं। तो लिटिल ने देखिए कितनी मेहनत इन्होंने दिए बनाए हैं, ये दिए मैंने बनाए हैं और मैं अभी भी बना रही हूँ। 16 दिए मुझे बनाने हैं और सबको 16-16 बनाए जाते हैं, तो मैं 16 दिए बना रही हूँ। ये माँ क्या था? अरे यार, इनको सुराहा बोला जाता है। देखिए ये ना सुराहा माँ ने बनाए हैं चढ़ाने के लिए, और ये पुआ बनाए हैं, गोल 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 पुआ। अभी माँ अभी और बनाएंगे। इतने 16 ये बना दिए, 16 से ज्यादा बना दिए। इसको सुराह देखिए, इसकी शेप देखिए, तो शेप का कोई वो नहीं, शेप का कोई वो नहीं, कुछ भी बना सकते हैं, बट सुराहा सुराई के शेप में होता है। ये दोनों चढ़ाए जाते हैं माँ लक्ष्मी जी पूजा में। यहाँ पे केला रखा, यहाँ पत्ते खा गए केले के, यहाँ पे लेके भाग गए। आम के पत्ते थे यहाँ पे, ये आम के पत्ते जो कलश में लगाने, लिटिल जो है यहाँ पे ले आए, उन्होंने तुलसी जी में लगा दिया। क्या किया ये आपने? हमने लगाया। इन्होंने पेड़ लगाया, देख रही है? सुना आपने पेड़ लगाया? हाँ, वो सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपका पेड़ इतनी जल्दी निकल भी गया। और मम्मा से बात, जय करो जय करो जय कर लिया, वेरी गुड। मैं खोल लेगा उसके लिए। ये देखिए मैं सुराही से लीची है, लीची पानी पीते हैं। इसी में का पानी पीते हैं। पूजा वाला ले ना, हाँ एक में अलग ठीक है। ये पूरी निकाली है ना, अब ये भी यही डाल लो। झूठा झूठा की बात नहीं, ये माँ यहाँ पे खीर बना रही है लक्ष्मी जी की पूजा। तो हम यहाँ पे ना जा रहे हैं पीछे 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 पीछे, नहीं तुम यही हमें दस लेटर देखे कितने पानी पी रहे हो, इतने सुराही से निकाल के आओ, ये भगोने में पानी पियेंगे। मनीकेसर खोल के रखा है खीर के लिए, वाह क्या प्यारे येलो है। और आज मैंने बनाया था ये पास्ता, मैं ये भोग का था पता है। जैन ने पहले लेटर की जो है पूरी कड़न है, थोड़ा और डाल देना, बैठो। हेलो नमस्ते प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल योर सोल हैकर कर्न। तो कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे हो गए, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं लिपस्टिक कुछ अच्छी नहीं लग रही ना। तो घर में क्या होने वाला, घर में आज होने वाला मेरे यहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा। माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है 16 दिन बाद पूजा होती है, तो आज है माँ लक्ष्मी जी की पूजा। माँ रखती हैं 16 दिन की पूजा, व्रत पूजा करती हैं, आज मेन पूजा होती है। तो बाकी तैयारियां तो आप सबने देखी ली, हमने क्या क्या तैयारियाँ की, और अब जा रहे हैं हम पूजा करने। और तो मैंने पहना है आज साड़ी नहीं पहनी मैंने, माँ ने मुझे ऑप्शन दिया कि जो पहनना है वो पहन लो, साड़ी पहनना साड़ी या सूट पहन सूट। तो जब ऑप्शन मिल गया तो माँ जो कहती है एक्चुअली मैं वो पहनती, पर आज उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया तो मैंने जो है आज ये कुर्ता पहनी, कुर्ता और ये लेगी पहन ली। और हमने तो नथिंग एज मच, कुर्ता खास अच्छा भी नहीं लग रहा मेरे ऊपर, बट मे बी आई डोंट नो व्हाई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सूट नहीं कर रहा आज ये कुर्ता। फिर भी मैं मोटी हो गई बहुत ज्यादा, इसलिए भी नहीं शूट कर रहा। मैं पिंकी पिंकी रेडी हो गई लक्ष्मी माँ की पूजा जी। लक्ष्मी माँ को लाइट कलर पसंद है, जब लक्ष्मी महालक्ष्मी जी की पूजा है, लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए तो लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, उन्हें लाइट कलर पसंद है। तो मैंने व्हाइट और क्रीम समथिंग कुछ नहीं, तो मैंने पिंक कुर्ता निकाला, इसको मैंने अभी तक पहना नहीं था, काफी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने कहा फाइनली आज मैं पहनती हूँ। और उसमें पेट काफी दिख रहा है तो इग्नोर करिएगा, अगर ब्लॉग को देखने पर मैं आपको टमी दिखे तो इग्नोर, मैं टमी फैट बहुत ज्यादा हो गया।
तो बस मैंने ये पहन लिया है, और कान में मैंने पिंक इयररिंग पहनी है, ये मैंने छोटी छोटी आई और छोटी सी बिंदी लगाई और लिपस्टिक में छोटी कुछ अजीब लग रही। ओके बस मैं जा रही बाल में छोटी करने और मैं जा रही पूजा की तैयारी करने, मतलब तैयारी हो गई है, मतलब पूजा का पूरा सामान मन सेट कर करना है। तो चलिए मैं आपको सब साथ में दिखाती हूँ। ये मेरी छोटी फटाफट से मैंने सिंपल से छोटी कर ली, ब्रेड बना ली और ये मेरी ब्रेड रेडी है। मच में होगी रेडी, अब चलती हूँ माँ की तैयारी करवानी। इग्नोर माई ग्रे हेयर, तो डोंट ऐप इन दुपट्टा। तो मैंने ये वाइट दुपट्टा ले लिया क्योंकि कुर्ते वाइट वाइट ना वर्क था, तो एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने वाइट दुपट्टा ले लिया, मैच कर रहा है। ऐसे क्या करनी है, जा रही है अब। सबसे पहले बनाएंगे हम चौक, ये मैंने बनाई लक्ष्मी माँ, जो आपको समझ में नहीं आ रही, मुझे समझ में आ रही है। नहीं पापा उठी, तो ये देखिए ये मेरी तैयारी हो गई, माँ की थाली रेडी। ये है मेरे दिया, हमने इसको दिए को ना फ्रिज में रख दिया, तो ये दिए मेरे अच्छे से सेट हो गए हैं, थोड़े क्रैक्स आ गए, मैंने बहुत अच्छे से मन से बना दिए मेरे दिए पूरे से यहाँ से लेके यहाँ तक सारे सामान है सब सेट करना है। अच्छा मैंने इतनी तैयारी करके यहाँ पर रख ली, मैंने थाली पूजा की सजा ली, मतलब काम की चीज़ें यहाँ रख ली, कपूर है मेवा है सब रख ली, कि 16 बाती में घी डाल के मौली से बाती बना ली। कभी भी ना देवी भगवान देवी जी को या फीमेल भगवान को आप कहें, मैं कहूँ क्यों, तो उनको के फूल बाती नहीं चढ़ानी चाहिए, उनको हमेशा लंबी वाली बाती चढ़ानी। अब मौली सबसे शुद्ध होता है, या तो लंबी बाती है तो फूल बाती। और ये मेरा कलर छोटा सा कलर, इसको मैंने एडजस्ट किया है, और ये आठवानी ये भी रखना है, इसमें रखी ना, इसमें अच्छा ले आई थी चार दाने यहाँ डाल दे, कलश रखा है ना ये अच्छा बोले अच्छा ना, अरे ठीक है सब ये जलिए। इस पूजा में मैं हूँ पंडित, माय मेरी यजमान। हाँ सुनो दो पहले, अरे तो कम लगेगा फूल, इसके फूल ये था ना 16 ज्यादा माँ को तो पड़ गया ऐरा, हाँ इनको नहीं पड़ा, मात्रा नहीं पड़ गया इनको नहीं पड़ा। ये
तो यहाँ मैंने और माँ ने पूजा शुरू कर दी। मतलब मैं बगल में बैठी थी तो माँ मुझे दे की सामान दे रही थी, सब मैं चढ़ा रही थी। तो ये माँ ने साड़ी लक्ष्मी माँ को चढ़ाई थी, तो ये मैंने पीछे रख दिया। मैं सबको 16-16 चढ़ाए जाते हैं, श्रृंगार का सामान भी 16 गुलाब का फूल, 16 फल और सब कुछ 16 होता है, एवरीथिंग 16-16। भोग भी जो लगता है वो भी 16। यहाँ श्रृंगार का सामान माँ तब जो है निकाल निकाल के बारी बारी चढ़ा रही थी। और ये माँ को माँ ने आलता खोला और उनकी साड़ी पे आलता गिर गया था, और आलता को जो है माँ को लगाया। थाली में जो मैंने लक्ष्मी बनाई थी उनकी अलग पूजा करनी होती है, और ये जो मिट्टी के लक्ष्मी माँ और हाथी पे बैठी लक्ष्मी माँ होती है उनकी अलग पूजा होती है ना, दोनों लोग की पूजा होती है। तो ये कमल का फूल था, पहले मैं कमल का फूल ऐसे ही चढ़ा दिया, फिर मैंने बाद में खोल के कमल का फूल को चढ़ाया था। ये भोग का प्रसाद मैंने आपको दिखाया था, पुआ और सुराहा जो बनाया था वो 16-16 चढ़ा दिए, 16 वो हाथी को अलग और ऐरावत को अलग और लक्ष्मी माँ को अलग चढ़ाए थे। सब कुछ अलग अलग चढ़ता है। ये 16 केले माने रखे थे, केले इजली मिल जाते हैं ना, इसलिए केले चढ़ाना इजी होता है। अच्छा, हमारा बहुत बड़ा ये क्या था, पाटा था, चौकी थी, इसके बाद भी इतना 16-16 चढ़ाने में यहाँ जगह ही नहीं होती थी। और जबकि लोगों के पाटे छोटे होते हैं, हमारा पाटा इतना बड़ा था फिर भी छोटा ही पड़ता है, जबकि हमने दीपक अपना नीचे ही रखा था। तो पेड़े थे, पुआ था, सुरा था, केले चढ़ाते हैं, 16 गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, कमल का फूल लक्ष्मी माँ को चढ़ाते ही हैं। माँ ने खीर भी बनाया था, तो खीर भी चांदी कटोरी माँ को खीर खिला के, मतलब खीर भी चढ़ाया, पंचामृत बनाया, विष्णु भगवान को पंचामृत मतलब चढ़ता है। तो लक्ष्मी माँ की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो पहले विष्णु माँ के माँ भगवान की माँ ने पूजा कर ली थी, हमने पंचामृत भी बनाया था। और ये पंचमेवा भी माँ ने अलग से रखा था भोग के लिए। तो काफ़ी विधि विधान से मुझसे माँ पूजा करती हैं, और 15 दिन वो पूरा शुचि उचि करने के बाद 16 दिन उसवे दिन ये पूजा करती हैं, हर साल करती हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या चढ़ाया है। यहाँ पर रहते तब तक क्या बना, मैं रख के जो है मैंने जो है पूजा करने लगी और मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो है ना कैमरे पूरे आ रहे थे, इनका पूरा फोकस सिर्फ कैमरे पे रहता है, तो ये पकड़ पकड़ अपने कैमरे बोले जा रहे थे। ये 16 आटे के दिए जो मैंने बनाए थे, देखो उसको देखिए मैंने इसको जला दिया है, कितने सुंदर लग रहे हैं 16 दिए। तो आटे के 16 दिए बनाए जाते हैं, तो ये 16 दिए जला दिया माँ जब आपको दिखा के, फिर हमने भी इसको रख दिया। इसी दिए से आरती भी हमारे, इसी दिए से 16 दिए से किसी आरती भी की जाती है। वाओ, पेड़े मेवा नारियल भी था, माँ लक्ष्मी मिट्टी की माँ लक्ष्मी होती है। हाँ, मैं पंडित नहीं थी तो मैंने पूछा था, मैंने पढ़ी यजमान ने मुझे दक्षिणा भी दी। बहुत लंबी कहानी थी वरना मैं आपको सुनाती, वीडियो फॉरवर्ड करना पड़ा क्योंकि आपको पूरी कथा सुना नहीं सकती थी। स्त्री पुत्र आयु महल हाथी घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण बोले हे राजन सुनो, लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की तो हो गया, तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसे विधान बताकर व्यास जी ने अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद की मास की शुक्ल पक्ष प्रतिष्ठा मानी व्रत का साथ देने लगी। कृष्णाली माता कुंती के साथ
गीत कौन इनकी काया बाजन निर्धन को माया लक्ष्मी नारायण की जय। आज का ब्लॉग हम यही पे एंड करते हैं। आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं पूजा कर करके बहुत थक गई हूँ, तो मैं आप बोलो कुछ। लाल बटन को कभी भी नहीं भूले। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।